असैया जहिया से गईला पूना आ दुख बढ़ल जाता दुगुना है। अपन चिट्ठी न कुछ भेजला अघर लागत सुना सुना। हाँ जोर से प्रणाम कर रहा हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि सर आज मैं मयूर सिनेमा मुंबई में हूँ और बड़ा सौभाग्य है मेरा कि जिस गलिये जिस गलियारों में जिस रोड से मैं गुजरता था लोगों का पोस्टर देखता था आज मेरा पोस्टर लगा है और मेरी वहाँ फिल्म लगी है तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं स्टार हूँ चाहे कुछ, मतलब उधारी बाबू एक नॉर्मल सा लड़का है जो मेहनत कर रहा है। मुझे बहुत ही खुशी है सर, मैं सच्ची बताऊं दिल से एकदम आज थैंक्स कहना चाहूँगा ऐसा फिल्म फैक्ट्री को, शाहजहाँ शेख इफ्ता जी को, हमारे डायरेक्टर समीम सैयद को और स्पेशली मनोज आर पांडे जी को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे। आने वाली सर एक फिल्म हमारी उधारी बाबू है बट लेकिन अभी उसका शेड्यूल और शूटिंग का डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट हमारा फिल्म उधारी बाबू है और भी है बट लेकिन अभी सब चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है। सबसे पहले आप सभी को मैं नमस्कार। फाइनली आज मूवी रिलीज हो गई है और उधारी गांव गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे भाई जैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और जितना मेहनत किया है उतना नज़र आ रहा है और जितना हम सोचे थे उससे ज़्यादा मूवी अच्छी हुई है, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। सबसे पहले तो हमारे सारे भोजपुरी भाइयों को सादर प्रणाम और आज हमने के मयूर सिनेमा हॉल में बानी जा हमारे छोट भाई अंजनी सिंह उधारी बाबू उनकर फिल्म बलिया के दबंगई लागल बटे कांदीवली में बनी जा भाई हमनी के और बड़ा अच्छा लगा ताटे। यहाँ पे सब लोग आके इनके आशीर्वाद दे ताटे पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री और बहुत अच्छा लगा ताटे। असैया जहिया से गईला पूना आ दुख बढ़ल जाता दुगुना है। अपन चिट्ठी न कुछ भेजला अघर लागत सुना सुना। आज की गणत बिछवना गवना काहे के करैला हो करैला हो करैला हो कवना सवत पेलो भैला हो कवना सवत पेलो भैला हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पिक्चर देखिए और बढ़िया पिक्चर देखिए, भोजपुरी की गंदगी को साफ करिए आप लोग। और उधारी एक ऐसा नाम है जो कि डांस में एक अच्छा परफॉर्म सारे लोगों ने कहा, बड़े बड़े स्टार लोगों ने, मंजुल ठाकुर साहब, यश मिश्रा, बड़े बड़े मेरे मित्रों ने कहा कि बहुत अच्छा डांस कर रहा है उधारी, इसको अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है और आगे आने वाला सुपरस्टार है ये। तो मैं ये नहीं कहता सुपरस्टार, लेकिन भगवान ये करे कि एक कतार में खड़े हो जाए, स्टारों की गिनती में गाए। और उधारी मेरा भाई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एकता जी को जो कि एक विश्वास करके एक अपने भाई को एक विश्वास करके अपने आप को साबित किया और बलिया की दबंगई अपने थिएटर में हम लोग रिलीज कर रहे हैं और लॉन्च करके आज खड़े हैं और सबको कोट कोट प्रणाम कर। उधारी बाबू हमारे छोटे भाई जैसे एकदम हैं, इनकी फिल्म आज रिलीज हुई है बलिया की दबंगई, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। भैया फिल्म बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिल्म तो आदमी कोई बना लेता है बट होता सबसे बड़ा उसको होता रिलीज़ करना। आज जब फिल्म जो थिएटर में लगी है और हम इनके साथ में, हम इससे पहले नवरंग गए थे और उसके बाद मयूर सिनेमा कांदीवली में आए हुए हैं, हमने फिल्म काफ़ी देखा, आधा आधा फिल्म देखा हमने, बहुत अच्छा लगा और भाई का काम बहुत अच्छा लगा। सभी के हमारे सादर प्रणाम बा। हमारा नाम नीरज वैष्णव, ये हमारे छोट भाई हों और छोट भाई के साथ साथ हमारे डांस टीचर भी हों। मुंबई में एक चीज़ का तो हम दावा कर सके नहीं कि डांस मास्टर बहुत हो ही लोग, लेकिन उधारी बाबू जी सन डांस मास्टर हमसे तो अब केहुना भेटाइल। और भैया ये फिल्म के बारे में बस इतने कहो कि हर फिल्म आप रुआ सबे देखले हो कब, ये फिल्म में जोने हिसाब से जोने साफ सफाई से बनावल गई बा शायद आपके दूसर कोनो ना दिखी। सबसे पहले उनको इस फिल्म की ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत किए जीजानों लगा के, बिहार में भी गए थे ये, काफ़ी प्रमोशन किए। तो मैं पूरे ऑडियंस से यही मतलब दरखास्त करूँगा कि बारी से बारी आके जहाँ यहाँ पे वोट दें, अपना ये करें टिकट हॉल लें और देखें इनको और अपना लाड प्यार सब कुछ इनको दें ताकि इनकी फिल्म सुपर हिट हो। मेरा शिष्य है, मेरा नाम शत्रुघ्न गोस्वामी है, मैं डायरेक्टर हूँ और फर्स्ट सीरियल जो कर रहा था सरस्वती सरस्वती उसमें ये आए थे, बहुत अच्छा एक्टर मुझे पसंद आया, मेरे गांव के हैं, मेरे घर के हैं, मेरा छोटा भाई है।
प्लैनेट भोजपुरी।